हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चंपारण मटन। चंपारण मटन बनाना बहुत ही ईजी है। उसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा प्याज, और प्याज को हम अच्छे से काट लेंगे। आप अपने जितना मटन हो उसके अनुसार प्याज ले सकते हैं। मेरे पास जितना मटन है उतना मैंने लिया हुआ है। उसके बाद उसमें थोड़ा लहसुन भी हम छील लेंगे, और लेंगे थोड़ी सी लाल खड़ी मिर्च, तेजपत्ता, जीरा और काली मिर्च। इसको हम पहले उसमें फ़ौरन देंगे। तो पहले हम पतीला रखेंगे गैस पे। आज मैं आपको पतीले में बनाना सिखाऊंगी मटन। और जब तेल गरम हो जाए तो उसमें डालेंगे जीरा और काली मिर्च, फिर खड़ी लाल मिर्च, तेजपत्ता, और जब ये थोड़े से लाल हो जाए तो इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज और लहसुन, और इसे हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी सी जब तक प्याज लाल हो जाए तब तक हम भूनेंगे। तब तक मैं मटन ले लेती हूँ। मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मटन ताज़ा है। ऐसे आप फ्रेश मटन लाएंगे ताज़ा तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट होता है। मैं जब भी बनाती हूँ ताज़ा मटन ही बनाती हूँ। आप देख रहे हैं कितना फ्रेश दिख रहा है। और हमारे प्याज भी अब थोड़े भून चुके हैं, तो मैंने इसमें मटन डाल दिया है। और अब हम इसे थोड़े देर के लिए भूनेंगे, 5 मिनट करीब भून देंगे। फिर उसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च डाल के हम इसे थोड़ा देर भूनेंगे। फिर हम लेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले में हम लेंगे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, जावित्री, काली मिर्च, अदरक, खड़े लहसुन, और सबको हम ग्राइंडर में पीस देंगे। उसको पीसने के बाद भी हम मटन में डाल देंगे। और मटन आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। करीब 1 घंटे के आसपास मटन बनेगा, और जैसे जैसे बनेगा मटन का कलर चेंज होते जाएगा। आप देख रहे हैं कितना टेस्टी दिख रहा है, बिल्कुल लाल हो गया है मटन। ये है चंपारण मटन, और चंपारण मटन का तो स्वाद ही अलग होता है। आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। मुझे तो बहुत ही पसंद है, और मुझे बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। सब बोलते हैं कि आपके यहाँ आओ तो मटन ही खाओ। जो भी आता है वो बोलता है फिर आने का मन करेगा मुझे। तो फ्रेंड, अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ आपसे, और मैं कोशिश करूँगी इससे अच्छा कुछ लेकर आऊँ आपके लिए। फ्रेंड।